पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने पर सरकार रोक लगा सकती है। जी हां, 24 नवंबर को नोट एक्सचेंज को लेकर सरकार की समीक्षा बैठक होनी है। माना जा रहा है कि सरकार 24 नवंबर से पहले ही फैसला ले सकती है। सरकार को नोट बदलने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग बैंक्स में दूसरे के नोट बदलने के लिए लाइनों में खड़े होकर उन्हें बदलवा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने कड़ा फैसला ले सकती है। सरकार सिर्फ 500 और 1000 के नोटों को सिर्फ जमा कराने की सुविधा देगी। सरकार ने शुरुआत में 4000 रुपए के पुराने नोट एक्सचेंज करने का ऐलान किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 4500 रुपए किया गया, लेकिन गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद इसे घटाकर 2000 रुपए कर दिया गया था।